बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा के युवा संगठन भाजयुमो ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से धिक्कार मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंप कर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस अधिकार मार्च में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल शामिल हुए, जिन्हें बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पिछले महीने विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, जिसके विरोध में भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। पहले चरण में सभी जिला मुख्यालय पर भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम किया है। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए गए, जो बिहार को शर्मसार करती है। हम इस धिक्कार मार्च के जरिए बेरोजगार को रोजगार देने और बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का धिक्कार मार्च पूरे बिहार में निकाला गया है। मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया है। मैं देवीलाल सेवकदार भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा प्रत्याशी हूँ, और धिक्कार रैली में धिक्कार जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, किसके खिलाफ धिक्कार रैली निकाले? ये जो लाठी गोली की सरकार है, ये जो ब्लैक इंडिया की सरकार है, जो बेंगलुरु में 17 पार्टी मिलाकर ब्लैक इंडिया की सरकार बनी, वह अपराधियों की सरकार है। यह स्पष्ट हो गया कि मुजफ्फरपुर में अपराध लगातार एक महीना से, जब से ये बेंगलुरु से आए हैं, मुजफ्फरपुर पूरा बिहार ब्लैक इंडिया हो गया है, जो 4 सीटेड है, और अपराधियों बेलगाम हो गए हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धिक्कार रैली दिया है और अपराधियों को ललकारा है, प्रशासन को जो है झकोरा है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।